स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये लेक्चर वन है। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ जो होता है वो क्या होता है ये इसके बारे में जानेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है तो उसके पास चार्ज होगा, और वो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज है वो चार्ज क्या होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, मतलब जो भी है इसी टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है इसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्रकार का, सिंपल अगर लैंग्वेज में हम कहें तो सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्रकार का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है किसका, तो अरेंजमेंट है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है उसी का अरेंजमेंट है। अब वो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो अरेंजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है ज़्यादा स्पेशल। वो क्या है कि किसी भी फिक्स्ड पोजीशन पर वो होना चाहिए, पोजीशन फिक्स्ड हो बस, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच का, दो चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसका पोजीशन फिक्स्ड है, तो वो जो भी अरेंजमेंट आप लोग को दिखाई देगा, जो भी अरेंजमेंट बनेगा उसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक हमारा है पॉजिटिव चार्ज, ये ले लेते हैं प्लस क्यू, और एक है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये ले लेते हैं माइनस क्यू, और इन दोनों का पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन फिक्स्ड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर होता है। तो अगर दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका जो साइन है, उसका जो नेचर है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और वो दोनों अपने पोजीशन पर फिक्स्ड होता है, मतलब उन दोनों का बीच का जो सेपरेशन है वो फिक्स्ड होता है, तो इसी अरेंजमेंट को, ऐसे ही अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो दोनों चार्ज है ये किसी ना किसी लाइन के अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का दोनों चार्ज जिस भी लाइन के अलोंग होगा उस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। मतलब जिस लाइन पर दोनों चार्ज लाई करता है उस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। अभी हमारा जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच वाला पॉइंट जो भी होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को, उस पोजीशन को बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, इसका बीच वाला पॉइंट है ओ, तो ये जो ओ है उस ओ को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल। अब हमारा ओ जो है उससे दोनों चार्ज का बीच का जो सेपरेशन है वो अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि यहाँ तक का सेपरेशन एल है और यहाँ तक का सेपरेशन भी है एल। ओ से इस वाले चार्ज का सेपरेशन एल, दूरी एल, और इस ओ से यहाँ तक का चार्ज का दूरी एल, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा टू एल। ओके,
यहाँ से यहाँ तक मतलब डी इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 2L। तो अभी हम लोग इसके बारे में और भी चीज बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज एन अरेंजमेंट arrangement of two equal and opposite charge, it is an arrangement of तो हम लोग अभी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या लिखेंगे, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू equal and opposite charge placed at certain distance, या तो यहां पर लिख सकते हैं fixed separation, फिक्स सेपरेशन पर रखा हुआ है या तो किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे कि ये एक्सिस ऑफ डायपोल लिख दिया है, सेंटर ऑफ डायपोल लिख दिया है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू और एक चार्ज है हमारा माइनस क्यू। तो अगर टोटल चार्ज निकालें किसी डायपोल का, तो टोटल चार्ज हमारा कितना होगा, प्लस क्यू और प्लस माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज निकालेंगे तो होगा हमारा जीरो। टोटल चार्ज ऑफ एनी डाइपोल टोटल जो चार्ज होता है ये होता है जीरो। अभी यहाँ पे दोनों चार्ज को जिस भी लाइन से ज्वाइन किया जाता है उस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, तो एक्सिस ऑफ डायपोल, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज ऑफ डायपोल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डायपोल। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, ये वाला जो लाइन दिख रहा है डॉटेड डॉटेड लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ डायपोल। द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ पे इन दोनों के बीच वाला जो भी पॉइंट होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल के नाम से जानेंगे। उसके बाद देखिए, हमारा डाइपोल का कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होता है। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज टेकन एज द
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, उसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बोलते हैं। किधर से माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के नाम से जानेंगे। उसके बाद हमारा अगर इन दोनों चार्ज है और वो चार्ज के बीच का सेपरेशन लगभग जीरो है, नेग्लेजेबल है, तो अगर नेग्लेजेबल होगा तो वैसे डाइपोल को जीरो डाइपोल बनेगा। द डाइपोल हुज बोथ चार्ज कॉन्साइड एट द सेंटर डाइपोल इज कॉल्ड जीरो डाइपोल। जिसका जो दोनों चार्ज है इसका सेंटर पर लगभग उसका सेंटर पर होता है, कॉन्साइड करता है, वैसे डाइपोल को जीरो डाइपोल बोलते हैं। उसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन और भी बहुत सारा। उसके बाद हमारा एक और डाइपोल होता है, अगर कोई डाइपोल ऐसा है जिसका दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन जीरो ना हो, मतलब उसका सेंटर पर दोनों चार्ज कॉन्साइड ना करें, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स हुज बोथ चार्ज या तो हुज बोथ निगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को चार्ज भी हम लोग बोलते हैं, बोथ चार्ज डज नॉट कॉन्साइड एट द सेंटर इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर कॉन्साइड नहीं करता है तब। इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल H2O और NaCl। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिए, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट करके हम लोग पढ़ते हैं, इसके साथ में जोड़ करके जिस भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, या तो सिंपल डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट बहुत ही आसान क्या है कि हमारा कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन का प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। बहुत ही आसान है ना, कोई एक चार्ज नेगेटिव या तो पॉजिटिव दोनों तो बराबर है, कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी के प्रोडक्ट को बोलेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन जिधर डाइपोल का होगा डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन उधर ही होगा, तो डाइपोल मोमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका मैग्नीट्यूड किसी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ डाइपोल
इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। उन दोनों का कोई एक चार्ज और उन दोनों के बीच का सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है एंड डायरेक्शन इज along the direction of dipole, मतलब from negative charge to positive charge, negative charge से positive charge होगा dipole moment का direction। dipole moment को represent करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पी। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग अगर पी बराबर लिखना चाहें तो पी इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू इंटू टू एल और यूनिट वैक्टर, जहाँ पर यह यूनिट वैक्टर क्या बताता है, यूनिट वैक्टर डायरेक्शन From negative to positive charge, negative से positive charge का जो direction है वो हमारा unit vector represent करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो dipole moment है इसको हम लोग P से represent करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके साथ साथ इसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशनल फार्मूला भी होगा। तो इसका यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ डाइपोल तो डाइपोल का यूनिट अगर हम लोग SI में लेंगे, इन SI सिस्टम, किस सिस्टम में, SI सिस्टम में, तो SI सिस्टम में अगर इसका यूनिट लेना होगा तो Q मतलब चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या, कूलम, और L मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या, मीटर, तो कूलम मीटर। मतलब SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होगा कूलम मीटर, ठीक है। अभी एक और होता है जिसको हम लोग, ये एक्चुअली एक कूलम मीटर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि एक कूलम का वैल्यू आपको पता है कि 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एक कूलम किसी बॉडी के पास चार्ज आएगा, और एक कूलम मीटर का वैल्यू इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल यूनिट लेते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट जो कि छोटा है जिसको हम लोग सिंपली इस्तेमाल करते हैं, और उस प्रैक्टिकल यूनिट को बोला जाता है डीबे। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है डीबे, DEBY। अब ये डीबे क्या होता है इसके बारे में समझिए। डीबे उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है जिसका चार्ज 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ESU का मतलब जानते हैं, और उसको रखा हुआ है 10⁻¹⁰ मीटर पर, मतलब एक एंगस्ट्रम पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे द, या तो ऐसे लिखते हैं 1 डीबे
इज द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल हुज आइदर चार्ज इज 10^-10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड सेपरेटेड बाय वन एंगस्ट्रम, लिख देते हैं डायरेक्ट वन एंगस्ट्रम इज कॉल्ड 1 dB. अब 1 dB का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 3 × 3 × 10^, ये 10^-10 ESU है तो -10 ESU रह जाएगा, तो 19 ऐसे ही बन जाएगा, 20 हो जाएगा उधर, और 20 और 10 मतलब 30, मतलब -30 कूलम मीटर। 1 dB का वैल्यू कितना होगा, 3.3 × 10^-30 कूलम मीटर, मतलब बहुत ही छोटा है कूलम मीटर के लिए, और हम लोग इसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको जल्द से जल्द लिख लीजिए। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन बोला क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाले P = Q × 2L, ये वैक्टर फॉर्म नहीं है, स्केलर फॉर्म में लिखा गया है। वैक्टर फॉर्म में अगर यहाँ पे वैक्टर देते हैं तो यहाँ पे यूनिट वैक्टर देते हैं, तो हम इसका केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड P = Q × 2L। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला डायपोल मोमेंट का निकालना है तो क्यू का डायमेंशनल फार्मूला और 2L का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो क्यू हमारा चार्ज है, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बहुत अच्छा, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT, और 2 तो हमारा डायमेंशन लेस है, कोई भी नंबर डायमेंशन लेस होता है। हमारा L है, L लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है L। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा LTA। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होगा LTA। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की सहायता से बहुत सारा चीज़ हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक वो फिजिकल सिग्निफिकेंट था और उसका जो मतलब था वो हम लोग इस वीडियो में जान चुके हैं। अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर, एक्सिस पर कहीं पॉइंट रखा हुआ है, कोई परपेंडिकुलर प्लेन पर कोई पॉइंट रखा हुआ है, या तो किसी आर्बिटरी पॉइंट पर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं, डाइपोल मोमेंट तो वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, क्या कोई ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक सिंपल फार्मूला से डिराइव कर सकें। तो जी हाँ, उसका फार्मूला है, और हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।